तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिलिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कॉलम सेटिंग कैसे करें। आप देख रहे हैं इस कॉलम का सेटिंग करके दिखाएंगे। तो अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। दोस्तों आप देखिए इस कॉलम को सेटिंग करके दिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करना है, धागा से देख लेना है जो हम लोग ये छेकन करके जो वाल खड़ा किए हैं। तो इस वाल के आप देखिए इस लाइन से पूरा वाल है, ठीक है। देखिए उधर भी वाल चिनाई किया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस वाल से लेकर इस वाल तक धागा पकड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे धागे मारना है, जैसे मिस्त्री धागे मार रहा है। देखिए धागे जो मारा है ये 15 इंच पर ये एक्चुअल धागे मार दिया है धागा के हिसाब से, और वहाँ से ये जो निशान दे रहा है उससे उधर 15 इंच होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं, नाप करके आपको दिखाएगा। पहले आप देखिए ये पूरा धागा के हिसाब से धागी हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से उधर 15 इंच होगा। तो आप देख सकते हैं कि 15 इंच का धागी मार दिया, वहाँ देखिए वहाँ आएगा निशान। तो इधर का निशान से हमको ना मतलब है, ना उधर का निशान से मतलब है, हमको बस ये बाहर फेस का निशान से मतलब है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, 1 इंच और माइनस करके एक तख्ता मार देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दागी है। तो ये दागी जो है, तो ये दागी के इस पार आपको हम दिखा रहे हैं, ये दागी मरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दागी के दागी तक हम लोग का यहाँ फर्मा सेटिंग होगा, ठीक है। अब इसके बगल में सटा करके ये तख्ता मारा जा रहा है। देखिए इसको इसलिए मारना ज़रूरी है, हम आपको बताएंगे कि क्यों। आप पहले देखिए इसको मारा जा रहा है। तो ऐसे आप लोगों को मार देना है। तो आप देख सकते हैं दागी से जो है, दागी आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर धागा से भी आप समझ सकते हैं, 1 इंची दूरी पर है, समझे। यहाँ जो हम लोग अगर ये लगाएंगे तो ऐसे आएगा, आपको हम दिखा रहे हैं ये ऐसे है ना, देखिए ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग का फर्मा सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है फर्मा बना करके दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग बोर्ड बना चुके हैं, ये 16 इंच का बोर्ड है, ठीक है, और ये 10 इंच का बोर्ड है। ये अननापी यानी इसका कोई नापी नहीं है, 16 इंच ओवर है। ये ओवर क्यों है ये आपको अभी बता देंगे। ये ओवर है तो ये 18 इंच है, 18 इंच है तो क्या हुआ, जितना लेना है हम लोग इधर ले लेंगे, उसके बाद इधर बढ़ा करके छोड़ देंगे। आपको हम दिखा रहे हैं कि इधर बढ़ा करके छोड़ देंगे, ठीक है। और ये नापी जो है 16 इंच है, तो ये नापी 16 इंच क्यों है हम आपको बताते हैं। ये नापी आप देख सकते हैं कि 16 इंच है, तो 16 इंच क्यों है इसका भी रीज़न आप लोगों को अभी समझा देंगे, ठीक है। अब ये जो है 10 इंच है, आप देख सकते हैं ये 10 इंच है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 10 इंच है, तो इसका भी मतलब समझा देता हूं। अभी देखिए सेटिंग कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग किया जा रहा है। देखिए ये 10 इंच वाला बोर्ड है, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 10 इंच वाला बोर्ड है, ये है 10 इंच वाला बोर्ड, ठीक है, और ये 16 इंच वाला बोर्ड है। तो आप देखिए ये 16 इंच का बोर्ड जो है, यहाँ हम अगर पकड़ते हैं तो आप देखिए 1 इंच इधर माइनस हो गया बोर्ड की तरफ, और उसके बाद बचा कितना, 15 इंच है ना, एक्चुअल 16 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ आपको जो है एक्यूरेट 15 इंच करना है, ठीक है। देखिए तो दोस्तों 16 इंच से ज़्यादा था, इसलिए अगर नापी से अगर ज़्यादा हो तो इसको आप लाइन काठी का सहारा ले, लाइन काठी आप मारिए। जैसे देखिए ये लाइन काठी मार रहा है, जहाँ हम लोगों का जो है तख्ता रहेगा, तो ऐसे आप लोग लाइन काठी 2-3 जगह मार दीजिए, या आप 2 जगह भी मार सकते हैं, ठीक है। जैसा लंबा हो तो 3 जगह मारिए, ऐसे 2 जगह भी मार सकते हैं, जैसे मारा गया, ठीक है। यहाँ देखिए एक और एक वहाँ है ना, एक यहाँ है और एक वहाँ है, ठीक है। अब क्या उस लाइन काठी जो है इसके अंदर रह जाएगा, देख सकते हैं आप जैसे सेटिंग कर रहा है, देखिए आप, ठीक है। अब देखिए इसको चढ़ाया है, चढ़ाने के बाद अब इसमें एक काठी मारा जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं,
हाँ अब देखिए दोस्तों, इसमें चढ़ गया। अब जो लाइन काठी है, लाइन काठी के हिसाब से देखा जाए तो अब देखिए बाहर आया, कितना बाहर आया, जितना भरा हुआ था उतना बाहर आ गया। जहाँ जो होना है वो हो गया, जिसका जो नापी मिलता है वो परफेक्टली आ गया। वहाँ पे जो परफेक्ट था तो परफेक्ट के हिसाब से वहाँ बराबर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे निकला हुआ है क्योंकि यहाँ ज़्यादा था, ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि 16 इंच का मतलब क्या होता है, तो 16 इंच का मतलब जो 16 इंच का परफेक्ट बोर्ड है उसमें 1 इंच ही माइनस हो जाएगा साइड, ये साइड, उसके बाद 15 इंच बचेगा, 15 इंच, ठीक है। तो ऐसे ही सेटिंग कर लेना है, एक पल्ला ये सेटिंग हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, 10 इंच बाई 15 इंच का बोर्ड तैयार हो गया है। तो पूरा काठी मारा जाएगा, तो ये रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक और तख्ता मारा जाएगा जो 5 इंच का साइड रहेगा इस साइड, ठीक है। तो इसमें 6 इंच तख्ता ले लेना है, उससे बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 5 इंच में लाइन काठी मारना है। हम आपको अभी लाइव दिखाएंगे, ठीक है। अब इसको भी जो है लाइन काठी मारना है, इसको क्या करना है, 5 इंच पर लाइन काठी मारना है, ठीक है दोस्तों, 5 इंच पर लाइन काठी मारना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 इंच पर लाइन काठी मारा जा रहा है, क्योंकि अब उल्टा थोड़ा दिख रहा है क्योंकि हम आपको उधर से दिखा रहे हैं। 5 इंच पर लाइन काठी मारा जा रहा है, देखिए लाइन काठी 5 इंच पर है। तो अब देखिए इसमें काठी मारा जाएगा, उधर भी दाग मार दिया है 5 इंच पर, तो 5 इंच पर करना है क्योंकि 10x15 का कॉलम है, 5 इंची वायर है, 5 इंची यहाँ काठी मारा जाएगा। तो धागे के हिसाब से काठी मारा जा रहा है, और वहाँ पे भी जो है ये काठी मारा जाएगा, लाइन काठी, ठीक है। अब ये काठी जो अंदर रह जाएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं, है ना, देखिए ये बोर्ड है और लाइन काठी अंदर रह जाएगा, लाइन काठी अंदर रह गया। और ये ओवर साइज का तख्ता है, यानी 7 इंच का तख्ता है, जिसके वजह से आप देखिए 1 इंची बाहर आ गया है, है ना। अगर देखा जाए तो 1 इंची 2 इंची है, इसके बराबर हो गया है, ठीक है। तो देखिए बोर्ड बन गया, अब इसका काठी मारा जा रहा है, आपको ठीक से दिखा दे रहे क्योंकि आप लोग जानते हैं होकर भी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, और जो नए हैं जो समझना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप देखिए इसको काठी मारा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को भी मारना है, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे, वीडियो में बने ही रहिए, तभी आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पूरा रेडी हो गया, मेरा मिस्त्री उठा रहा है यानी खड़ा कर रहा है, हम आपको फिर से नाप करके दिखाएंगे। आप देखिए हम नाप करके आपको दिखा रहे हैं, ये कितना आ गया, 5 इंच आ गया है, है ना। आप इधर हम आपको दिखाएंगे कितना आया है, इधर देखिए ये 10 इंच आ गया, ठीक है, है ना, ये 10 इंच है, हम आपको दिखा रहे हैं नाप करके, 10 इंच है ना, 10 इंची और इधर 5 इंची। अब हम आपको इधर से नाप करके दिखा सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 15 इंच है, देखिए, है ना। तो ये फ्रेम आपका तैयार हो गया है, तो अब हम लोग सेटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो हमारा 3 साइड हुआ, यानी एक इधर वाला साइड हुआ है, ठीक है, और एक इधर वाला साइड हुआ है, और एक इधर वाला साइड हुआ है, इधर वाला साइड ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ खड़ा कर दो, खड़ा करने से पहले यहाँ हम लोग तार बांधेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तैयार होने के बाद भी हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा एक तख्ता मारना पड़ रहा है, कि हम आपको कैसे दिखाएं, आप देखिए हम दिखा रहे साइड से तख्ता मारा जा रहा है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरा मारा जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि हम लोगों का ये दागी, यहाँ इस दागी से लेकर इस चिनाई तक हमारा 16 इंच है, जिसके वजह से हमारा फट्टी जो अंदर घुस सकता है, इसलिए उसको रोकने के लिए इसको मारा जा रहा है। देखिए ये मारने के बाद जब सेटिंग करेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि वो क्यों मारा गया है, लेकिन हाँ इसको मारने का तरीका देख लीजिए आप, ये तो फ्रेश है, इससे बाहर ही मारना पड़ता है, जैसे अब ये मिस्त्री मार रहा है, ठीक है, मतलब सेटिंग कर रहा है, ऐसे आप लोगों को करना है। दोस्तों रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब इसमें हम लोग पहले तार बांधेंगे जैसे हम बताए थे। तो देखिए दोस्तों मिस्त्री जो है अब तार बांध रहा है, तो ऐसे तार बांधना है, चार कोना में चार तार बांधना है जैसे देख सकते हैं, और वायर जो है लगभग
तीन वायर लीजिए, तीन को छः कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्चुअल यहाँ दो ही लिया गया है जिसमें चार वायर होगा। अब देखिए यह वायर इधर से मार दिया, जो हमारा वायर जो है ऐसे रहेगा ताकि फर्मा हमारा उधर से भाग के इधर ना आ जाए, ठीक है। एक्चुअल हम ब्रैकेट मार चुके हैं लेकिन फिर भी ये टाना तार बहुत ज़रूरी है ब्रैकेट, क्योंकि छत में धंसता नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक वायर यहाँ बांधा जा रहा है, तो ऐसे बांधना है आप लोगों को भी, ठीक है। और नहीं बांधिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, कॉलम आपका ख़राब हो सकता है, तो ऐसे आप लोगों को भी बांधना है। देखिए दो तरफ बांधा गया है, अब दो तरफ और बाकी है जो हम आपको दिखाएंगे उधर। देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब है कॉलम के चारों तरफ यानी चार बार में आप लोगों को चार वायर बांधना है, तो आप बने रहिए और देखते रहिए कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, उसमें आप लोग घबराना नहीं है, फुल प्रोसेस जानकर ही जाएं, ठीक है। देखिए इसमें बांधा जा रहा है दोस्त, फाइनल देख सकते हैं कि वायर चार बांधा गया है। अब देखिए यह फाइनल है, अब हम इसमें कैसे सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने का ये कि हाइट है, हाइट होने के कारण देखिए ये लगभग जो 5 फीट है, इसलिए बीच में एक टाना और होना ज़रूरी है, तो हम लोग वायर में इसमें बीम में नहीं बांध सकते हैं ये पिलर में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सेटिंग करने से पहले हम लोग एक टाना यहाँ मार देंगे, ठीक है। यहाँ एक टाना लगा देंगे, ये टाना यहाँ लगाने से क्या होगा, ऐसे खींच करके इस बार वाला बोर्ड में लगाया जाएगा। टाना फाइनल ऐसे ही मारना है, ठीक है। अब सेटिंग करना है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सटा देना है, जैसे देखिए ये सटाया गया है, और वायर को नीचे से लेना है, जैसे देखिए नीचे से वायर को लिया गया है, ठीक है। और ये पूरा बाहर आएगा, यानी इस ब्रैकेट के ब्रैकेट में सट जाएगा, देखिए है ना, ब्रैकेट में सट गया, ऐसे ही सटा लेना है। अब देखें यहाँ पे हम लोग जो साइड में वो तख्ता मारे थे, अब देखिए यहाँ पर है ना, यह क्यों मारा गया था, यही कारण था कि ये चिनाई जो है 1 इंची आउट है, जिसके वजह से मारना पड़ा। देखिए अगर इसको नहीं मारता, इसको आप देख सकते हैं, इसको अगर नहीं मारता तो ये जो है हमारा अंदर आ जाता, तो ये आप इसको जो है ये कंट्रोल करके रखेगा, इसलिए एक साइड में मारना पड़ा। हम आपको दिखाएंगे, दूर से थोड़ा दिखा रहे हैं, आप देखिए इसी के बारे में हम बता रहे थे, जो साइड से मारा गया है आपको मार के दिखाएं, तो बस यही कारण था ये वाल के चक्कर में, ठीक है। तो अब हम लोग उधर वाला पार्ट जो है लगाएंगे, अब देखिए ये पार्ट लगेगा, ये पार्ट जो है हम लोग 18 इंच का है, ये हम लोग को 16 इंच 17 इंच काफ़ी था, तो ज़्यादा है तो और बेस्ट है, क्योंकि दीवार को पूरा पकड़ के रखेगा। तो जो है इधर से घुसा लेना है, जैसे आप देख पा रहे हैं इधर से एक छेदा कर लेना है कहीं पे, होता ऐसे एक्चुअल दो तख्ता के बीच में छेद होता ही है, उसमें घुसा लेना है, जैसे देख रहे हैं घुसा लिया है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को भी घुसा लेना है, उसके बाद बोर्ड को सटा देना है, ठीक है। जैसे सटाया जा रहा है, अब देखिए दोस्तों बस ओके। अब इसमें क्या करना है कि काठी मारना है साइड में, ठीक है, और उधर जितना भरा हुआ है भरा हुआ रहने दीजिए, और बीच वाला वायर खींच लेना है ताकि उधर से टाना टाइट हो जाएगा, और नीचे में जो वायर है तो नीचे वाला उधर वहाँ है, देख सकते हैं आप, है ना, वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखिए इसको पहले मार के दिखा रहे हैं, यानी सेटिंग करके दिखा रहे हैं, काठी ठोक के दिखा रहे हैं, ठीक है, लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों हम दूर से आपको दिखा रहे हैं कि काठी मिस्त्री जो काठी इसमें मार रहा है, देखिए बस ऐसे हम थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, ऐसे ही जो है आप लोगों को सेटिंग करना है दोस्तों, ऐसे आप लोगों को सेटिंग करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को एंड तक देखें, समझने की कोशिश करें, तभी आप लोग अगला स्टेप यानी आप लोग खुद से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, देखिए है ना, अब जितना भी भरा हुआ है तो ये भरा हुआ रहेगा उधर, दोस्तों 6-6 इंच पर ही काठी मारना है, जो अभी काठी मार रहा है यानी काठी लगाया है। अब चलिए हम लोग टाना लगाते हैं कि टाना को कैसे लगाया जाएगा, तो पहले फर्मा को पीछे किया जाए, पूरा
ये ब्रैकेट तक लाना है, ठीक है, ब्रैकेट तक लाना है। देखिए जैसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट तक सट चुका है, ठीक है। अब इसको पूरा टाइट करके मारना है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ताना मारना है, और इस हिसाब से ताना मारना है कि दीवार में जाके सट जाए। तो ऐसे सटा देना है, क्योंकि हम अपने पैरों से सटा करके दिखा रहे हैं। एक्चुअल आप जैसे भी हो इसको सटा करके ही ताना मारना है। देखिए अब ये सट चुका है। अब दोस्तों पहले इधर वाला ताना मारना है दोनों साइड, ठीक है। देखिए अब इस ताना को लगाना है वैसे सटा करके, ठीक है, जैसे आप देखिए। तो दोस्तों देखिए ताना जो है सटा के लगाना है, यानी काठी जो है सटा के ठोकना है दीवार में। देखिए बस ऐसे ही मार देना है। तो आप देख लीजिए ये ताना मारने के बाद ये पूरा आपका सट चुका है। अब उसके बाद हम लोग को इधर वाला ताना मारना है, जो दो ताना यहाँ पे है, इस ताना को कंट्रोल करना है, ठीक है, वैसे करके। दोस्तों ये ताना सोच समझ कर मारना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो फरमा उधर चला जाएगा। बस हल्का मारना है, जैसे देखिए हल्का मारा गया है, अगर इसमें पड़सर पड़े तो ये आके यहाँ पे सट जाएगा, ठीक है। ऐसे दोनों ताना मार देना है ऐसे करके, ठीक है। अगर मसला जब पड़ेगा ना ये अपने से इधर आ जाएगा, क्योंकि ये ढीला है। अब देख लीजिए ये ताना टाइट नहीं करना है, ये अपने आप ही अपने जगह में आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ऐसे ट्राई कर लेना है, एक इंची दीवार पर लगा करके, और ऐसे इधर भी एक इंची दीवार पर लगा। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ ट्राई हो जाएगा कि फरमा जो है कहाँ है ना। ऐसे देखिए यहाँ सूता में आ गया और ये बाहर आएगा। देखिए अभी उसको ठोका जा रहा है, उसको बाहर करना, यानी ऐसे सूता में हुआ है कि नहीं ये देखना है ना। अब यहाँ पे हम आपको कैसे दिखाएं, थोड़ा डाउन करना, थोड़ा डाउन करो और डाउन करो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा एक्चुअल, देखिए ये हमारा सूता में आ गया है। तो ऐसे आप लोगों को देख लेना है, सूता में कर लेना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, वहाँ पे इंची से किया गया है एक इंची लगा करके, और यहाँ पे भी जो है एक इंची लगा करके। इसमें क्या होगा, ये बाहर से जब हम उस धागा को लेते हैं तो ये इंची माइनस होता है ये बोर्ड, ठीक है। ऐसे करना है, तब बीच वाला टाना मार के आपको दिखाएं। तो चार वायर लेना है, फिर से चार वायर। आप देखिए इस वायर को आप हम ऐसे करके उस पार से काठी मार दीजिए। देखिए जैसे मिस्त्री देखिए काठी मार रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यह वायर को जो है इधर से काठी मार देना है, देखिए यहीं पे मार देना है इस पार। इस पार से काठी मारने के बाद इस वायर को खींच करके जो है इस पार से मार देना है, लेकिन इस मारने से पहले साउल करना है। तो आप देखिए साउल करने का तरीका क्या है, जैसे ये इंच है तो इंच पर ही साउल करना है। देखिए नीचे जो मरा हुआ ना ब्रैकेट, ब्रैकेट पर। अब देखिए साउल में है या नहीं है ये आप लोगों को पहले परफेक्ट देख लेना है। अब ये नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे ठेल करके, हाथ से ठेल करके, ठीक है। तो आप देखिए सावल में है या नहीं, अब देखिए, ठीक है। देखिए अब ये पूरा परफेक्ट सावल में है। तो सावल में होने के बाद जब पूरा सावल हो गया, अब क्या करेगा, उधर से एक आदमी चार के ऐसे चार के रखेगा और यहाँ पे जो है काठी मार देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हो गया वो पूरा प्रोसेस, ठीक। यहाँ थोड़ा ईटा हिल गया है, कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान देकर काम करना है। अब ये वाला जो है वायर मारना है खींच करके, ये उस पार से मारा हुआ है आपको मालूम है, अब खींच करके जो है ताना मार देना है। देखिए आप हेलो बीच खंडा देख रहे हैं। तो दोस्तों ये ताना मारने के बाद हमारा कंप्लीट फर्मा सेटिंग हो जाता है। ये कंप्लीट फर्मा सेटिंग हो गया, अब एक काम और आ जाता है, ये टॉर्चिंग लगा देना है। जैसे टॉर्चर लगाया गया, देखिए ऐसे टॉर्चर लगा देना है, वो इसलिए कि ऊपर वाला माथा ढालने के बाद इधर
ना आए। ठीक है, देखिए मिस्त्री खींच कर देख रहा है, पूरा ताकत लगा दिया हो लेकिन फिर भी सर नहीं आया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को भी लगा देना है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही पावरफुल सीख मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।